हाँ बिल्कुल। सर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने ये मसला उठाया, यहाँ पे आप आए, आपने जो है ख़ुद यहाँ पे ये रोड के हालात देखे। ये जहाँ जहाँ तक ये क्या नाम इसका ड्रेनेज का सवाल है, ये भी फंक्शनल नहीं है, ये भी टोटल जो है जाम हुआ पड़ा है। जितना भी पानी आ रहा है सब जो है ये जब भी क्या नाम इसका हल्की सी बारिश होती है तो ये पूरा रोड जो है बह जाता है इसमें। तो इसमें जो है ड्राइवरों को जो है मुश्किल होता है, हमें मुश्किल होता है, हमें बच्चे ये क्या नाम हमारे बच्चे जो है वो बारिश के दिन जो है स्कूल नहीं जा पाते, तो हमें जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए जो है हम डीसी साहब को जो है गुजारिश करते हैं कि वो इसमें जो है ज़ाती मुदाखलत करे। यू आर मोस्ट वेलकम आपका ये टाइम देने के लिए। ये तो आपने सही फरमाया है कि ये जो रोड है इसमें तो है कुछ मतलब प्रॉब्लम है इसमें। ये हमने इससे पहले भी टेकअप किया था, इसमें वो हमने जो पार्ट होल्स थे वो हमने फिलअप किए थे, और इसमें लॉन्ग बेग जो ब्रेस्ट वाल बना है वो अब बारिश की वजह से इरोड हुआ है। इसका हमने डैमेज रिपोर्ट भी ऑलरेडी सबमिट किया है हायर अथॉरिटीज़ को। अब हमने इसको हमारा एक प्लान आता है ARD एनुअल रिपेयरमेंट, उसमें हमने ये रखा है क्योंकि जो ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी तो उसकी हमारे पास अथॉराइजेशन नहीं आई है, जो ही इसकी हमारे पास हमने रखा है प्लान में, जो ही इसकी अथॉराइजेशन हमारे पास आएगी तो हम लोगों के शाना बशाना वहाँ पे खड़े हैं और उनके लिए हम सहूलियत का ये मतलब ये कंप्लीट कर ये फरमाया है। उस प्लान में हमने ब्रेस्ट वाल कम ड्रेन वो रखी है डीप ड्रेन, तो जो ही हमारा वो प्लान आएगा हम ये जो वहाँ दिक्कत आती है लोगों को वो हम दूर कर देंगे इंशाल्लाह।